की अध्यक्षता में कामधेनु गौशाला में सेवा की गई तथा गायों को चारा खिलाकर उनकी सेवा की गई। इस मौके पर कामधेनु गौशाला की चेयरमैन सरोज शर्मा भी उपस्थित हुई। इस अवसर पर फोर्स यूथ क्लब के चेयरमैन पंकज ने कहा कि गौ माता की सेवा करने से पुण्य मिलता है, इसलिए हर किसी को गौशाला में आकर इन गायों की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने सारे शहर वासियों से अपील भी की कि गौशाला में आकर गौ माता की सेवा करें और गौ माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज फोर्स यूथ क्लब वालों कामधेनु गौशाला के बीच फोर्स क्लब के सारे सदस्यों वालों गौ माता जी की सेवा की गई। इहदे विच फोर्स क्लब के सारे सदस्य उपस्थित हुए हैं। असीं तहे दिलों शुक्रिया अदा करने हैं मैडम सरोज शर्मा जी का जो इत्थे पहुँचे ने। फोर्स क्लब सारी उन्होंने टीम का स्वागत करते हैं। मैं सारे शहर वासियों को भी ये अपील करना चाहना कि गौशाला के सेवा कर जरूर आओ। गौ माता एक इदा प्राणी है जिन्हों तो सू दुध पीन मिलता, उन्होंने गोबर तो असी अग जलाने, उन्होंने गौमूत्र तो कई तरह बीमारियां जो ठीक होंदियां। मैं सारे शहर वासियों सारे अपने यूथ को यह बेनती करना चाहना भी गौशाला के आके जरूर सेवा करो और गौ माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय गौ माता। गौशाला अपने इन बच्चों को जो फोर्स क्लब से आए हैं स्वागत करती है और मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, आप जवान बच्चे हो, इस सारे कार्य को आपने कल को संभालना है। आप आओ, गौ माता की इम्पोर्टेंस क्या है मैं क्या बताऊँ आपको। इसका दूध अमृत है, देसी गाय का दूध जो है, जो भारत की देसी गाय है उसका दूध ही अमृत है। हम यहाँ पर जर्सी गाय नहीं रखते, सिर्फ देसी गाय रखते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी आए उसको चाहे थोड़ा सा ही मिले बच्चों के लिए, चाहे आधा किलो ले गए, ज़्यादा हम नहीं दे सकते क्योंकि इतना दूध होता नहीं है। बच्चों के लिए कोई अगर आधा किलो भी चाहे तो हम देंगे। और हमने जो देसी गाय का दूध है, कहीं और जाके आप पता करो प्योर दूध उसका क्या रेट है, हमने बिल्कुल बहुत ही कम 50 रुपये किलो रखा हुआ है ताकि बच्चों को ये अमृत मिले।